I don't have words. I'm speechless. Our home minister is like, I was singing, our home minister. Well, now I'm like, मैं तो सर भी नहीं बोलती, मैं तो अंकल बोल के ही बात की, क्योंकि आई हैव मेट हिम बिफोर. लाइक वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी सपोर्टिव, आप घर जहां जैसा लगा. आप जिस प्रदेश में गई हैं हाँ, वहां महिला सुरक्षा को लेकर क्या देखा है? वुमेन आर वेरी मच सेफ, एंड स्पेशली जब ये पता चलता है कि कोई लड़की ऐसा कर रही है तो लोग खुद सामने से बाहर सपोर्ट के लिए आ रहे हैं. मुझे ना ही कभी रोड पे किसी ने रोका है, ना ही मुझे छेड़ा गया है. इनफैक्ट जहाँ नेट ना चलता हो, मुझे रास्ता पूछना पड़े, तो जब व्हेन वी आर गियर्ड अप, तो किसी को पता नहीं होता लड़का है या लड़की, बट वो जब बोलते हैं तो आवाज़ से पता चलता है लड़की है. काफ़ी जगह पर तो पुलिस ने भी ऐसे थोड़ा गाइड कर दिया, पायलट कर दिया, एंड नॉर्मल लोग भी रास्ता बता देते. तो मेरे लिए तो इट्स वेरी सेफ. आई हैव बीन लकी, और दिस गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस इंडिया सेफ, कि I have traveled 11,000 kilometers today and it was a very safe ride for me. मेरे एक मित्र है मेजर मनीष सिंह और मेजर साहिल गौतम, दोनों आर्म्ड फोर्सेस से ही है, एंड दोनों बेस्ट रनर्स भी हुआ करते थे एक टाइम में. उसके बाद उनके साथ कुछ अघटित घटना हो गई. मेजर मनीष के साथ ऑपरेशन में जब क्रॉस फायर में उनको कमर में गोली लगी, तो उसके कारण वो व्हील चेयर बाउंड हो गए. तो मैं उनको एक बहुत सिंपथी की नज़र से देखती थी कि क्या होगा अब उनका, बट उन्होंने मुझे एक टोटली डिफरेंट लुकआउट दिया कि इट्स नॉट सिंपथी पिटी, इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेशन. आज वो आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ही इज़ गोना रिप्रेजेंट अस इन शूटिंग. एंड मेजर साहिल गौतम है, वो ऑलरेडी नेशनल आर्चरी में सिल्वर ला चुके हैं, जबकि उनके जो कॉम्पिटिटर थे वो तीन तीन चार चार छः छः साल तक प्रैक्टिस करते आए थे. उनका फर्स्ट ईयर था, उसके बाद भी उन्होंने, अगर वो कर सकते हैं तो हम तो परफेक्टली ऑल राइट है, हम क्यों नहीं कर सकते कुछ उनके लिए.